हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लास। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 7 का एक और चैप्टर लेके। एक्सटीरियर जो हम पिछला वीडियो चैप्टर पढ़ा रहे थे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसी का अगला टॉपिक है हमारा। तो अगला टॉपिक हमारा कहता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये हमारा हो गया एंगल, सॉरी ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो हो गए हमारे एबीसी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हो गए हमारे, ये हमारे एंगल कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण। अब इसको अगर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, इसको ये लाइन हमने आगे ड्रॉ करी और यहां से एक एंगल फाइंड किया, तो ये एंगल हमारा ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, ट्रायंगल के आउटकम बन रहा है, तो ये हमारा कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। पहले आप एक्सटीरियर एंगल समझ लीजिए। एक्सटीरियर एंगल जरूरी नहीं कि इस साइड हो, ये किसी भी साइड बन सकता है। इधर से भी अगर बनेगा तो ये बन सकता है, ये भी आगे जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों साइड से एक्सटीरियर एंगल बना सकता है। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है उस पर हम वर्क करेंगे इसमें। कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमारी कहती है, इसको मैं लिख देता हूं, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर हमको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा तो हम यहां से सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे बाय द वे मैं इसको यहां से एरेज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ यहां रखता हूं। अब हमको ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल हमको यहां से फाइंड करने के लिए ये दो एंगल का हमको ऐड करना पड़ेगा। लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, एक मिनट, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर मैं इसको ले लूं 1, इसको ले लूं 2, इसको ले लूं 3, इसको ले लूं 4, तो यहां से मेरी प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो होती है एंगल का 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमारी प्रॉपर्टी निकल के आती है। जो बाहर वाला कोण होगा, ये वाला जैसे मैं बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो इसके जो साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 जो साथ में जुड़ा हुआ है, इसको छोड़ के इसके अपोजिट जो दो एंगल बचे 1 और 2, बोला ना सम ऑफ टू इंटीरियर बट अपोजिट एंगल्स, तो ये वाले जो इंटीरियर है लेकिन इसके अपोजिट है, वो दो एंगल का टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो वो एंगल 4 के इक्वल होगा। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ये दिया हुआ है एंगल ए बी सी, इसको बढ़ाया, अब वो किस साइड भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर इसका हमको दिया गया है 50, इसको दिया गया 60, तो ये हमसे फाइंड पूछा गया है, एक्स की वैल्यू हमको यहां से फाइंड करनी है। तो मैंने बोला अभी आपको कि एंगल एक्स यहां से फाइंड करेंगे, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल 50 प्लस एंगल 60, तो आपको मिल जाएगा यहां से 110, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। एक चेंजेस यहां पर ये भी किया जा सकता है कि अगर इसको यहां से चेंज कर दें और अगर इसको हम दे देते हैं वैल्यू में, ये वैल्यू हमको दे दी गई है 125 और हमसे ये पूछ लिया गया है, इसको x मान लेते हैं और इसको 50 रहने देते हैं, अब हमसे इसकी वैल्यू पूछ ली गई है, तो इस फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखिए मैं इधर कर देता हूं, तो हम यहां से निकालेंगे एंगल 125 इज इक्वल टू एंगल 50 प्लस एंगल x। यहां तक आप सभी समझ में आ गया। अब एंगल x को रखेंगे इस साइड और एंगल 125 में से एंगल 50 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम दोनों ही एंगल को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं।
एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये ट्राइंगल हमारा 50 डिग्री का थोड़ा बड़ा बनाते हैं। और ये हमको यहां से फाइंड करना है। तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है हमारे चैप्टर में कि ये जो एंगल लिखा हुआ है इसको मैं पी क्यू आर मान लेता हूं। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी इसको एंगल पी भी कर सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इसको टू 180 डिग्री किसी भी फॉर्म में हो। यू मीन आप ये समझ सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों ही अंडाकोण का योग 180 डिग्री होता है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, और अंदर ट्राइंगल के अंदर जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ये हमको अपने दिमाग में ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर इसकी वैल्यू दी गई हमको एंगल 50 प्लस इसकी वैल्यू दी गई है 60 और लास्ट वाले की वैल्यू नहीं दी गई है हमसे पूछी गई है, बट हम इसको फाइंड कर सकते हैं बिकॉज तीनों का ऐड होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल एक्स प्लस एंगल 110 क्योंकि इसको स्क्वायर कर देंगे और यहां से 180 निकाल लेंगे, तो इसको मैं एंगल को लिख रहा हूं एक्स की वैल्यू यहां से हमारे आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लो एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी सिर्फ इतनी कहती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ छोटी सी चीज है, आप समझते होंगे कि कोई भी जो ट्राइंगल है हमारा 90 डिग्री अगर एक फॉर्म क्रिएट कर रहा है तो हमारा क्या होगा। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं राइट एंगल ट्राइंगल, लाइक ये जैसे 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब जरूरी नहीं कि ये इस तरह से बनाओ, हो सकता है ये ऐसे बनाओ और ये आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हो। ठीक है, हो सकता है ये यू बनाओ, यू 90 डिग्री ये फॉर्म कर रहा हो। क्लियर है, तो ये किसी भी तरीके से बन सकता है, ये ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हो। तो ये 90 डिग्री अगर एक एंगल फॉर्म कर रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। आयोग इतना आप समझ गए होंगे। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी हमारी उसको बोलते हैं हम लोग थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। अब उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक है अपने चैप्टर का। पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ए बी सी ये हमारा हो गया 90 डिग्री। पहले समझते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब ये जो हमारा है इसको बोलते हैं हम लोग बेस आधार, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, आर्म्स लेग्स भी कुछ भी बोलते हैं, बस इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं ये ध्यान रखिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। क्लियर है आप सभी को, तो कर्ण लंब आधार इतना बोलते हैं इसको।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन लग जाएंगे इसके, क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। तो बताया हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखिए अपना, या मैं ऐसे बोलूं एसी का स्क्वायर या मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच एच हो जाएगा इसको, इसको मैं लेंथ कर देता हूं, लेंथ हाइट इसको कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहां पर दोनों एच हो जाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए दिया। तो आप समझ सकते हैं इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका प्लस इसका स्क्वायर, तो हाइट का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसी में हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख कर रख लेते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं। हमारे पास ये नहीं दिया गया, हमसे ये पूछा गया एक्स, और हमको ये दे दिया गया है 12, ये दे दिया गया 5, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है भाई एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कोस ये लगा देंगे सीधे ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें 12 5 सबको लिखा हुआ है, इसको हम यहां लिखते हैं। तो ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। अब ab हमारा कितना लिखा है 12, तो 12 हम यहां लिख देंगे स्क्वायर कर देंगे, bc हमारा कितना है 5, इसको स्क्वायर कर देंगे, वो हो गया 144, ये हो गया 25 और ये हमारा आ गया 169, ठीक है। बट ये यहां पर है ac का स्क्वायर, अब हमको ac फाइंड करना है, तो ac फाइंड करने के लिए इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा, ये आ जाएगा हमारा 13 जो 169 का रूट होता है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल से इतनी होती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय।